बनाया है? रोज रोज दाल चावल। और कुछ कब सीखेगी? के बोलूंगा ससुराल वालों को, के सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बढ़, घर के काम कर सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी नो तो देख ले, अब आर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर ले रहे है, और कितनी उम्र चाहिए तन्ने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान, जो अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया, घर का दीपक होते हैं बेटे। जे किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम समाप्त कर दूं। ए खरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानी पत्ता रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मेरे शादी ना करने, बापू बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़। ए सर, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख ब्याह तो तेरा होगा, रिब तो कल की कल होगा। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैंने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने के दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। के मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। बता है